पावन चंदन धारा आश्रम का एक युवा प्रकल्प चलता है, युवा अभ्युदय मिशन। उसके 5 वर्ष पूरे हुए और इन 5 वर्षों में उन्होंने बहुत काम किया। कोविड में इतना काम किया उन्होंने, 5,000 लोगों को, 5,000 मरीजों की सेवा की, उनको उनका नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी आया। और उसके बाद कई फौजियों के लिए, कई देश के, कई राज्यों की पुलिस के भी उन्होंने कार्य किए जिससे लोगों को, लोगों का भला हो सके। तो ये सब वही 5 वर्ष उनके कंप्लीट हुए थे, तो उन्होंने ये उत्सव मनाया था जिसमें महामहिम, चूँकि काफ़ी समय से जुड़े हुए हैं इस मिशन से भी, जिसका उन्होंने जिक्र भी किया, तो इसीलिए उन्हें बुलाना हमारे लिए सौभाग्य की बात थी और उनका आना हमारे लिए बहुत आवश्यक भी था। गुरुजी, क्या कुछ उद्देश्य रहता है इस कार्यक्रम को लेकर भी और इस संस्था का क्या कुछ उद्देश्य? ये जो युवा हैं ये पर्यावरण पे काम करते हैं, 2200 बच्चों को पढ़ाने का काम करते हैं उनकी बस्तियों में जाके, और कोई केंद्र नहीं, आश्रम में ही रहते हैं, बहुत सेक्रीफाइस करते हैं समाज के लिए, दिन रात एक करते हैं, रिसर्च इंस्टीट्यूट है, रिसर्च करते हैं, तो एजुकेशन पर रिसर्च करते हैं, भारत के इतिहास, भारत की राजनीति पर रिसर्च करते हैं, अध्यात्म पर रिसर्च करते हैं और वृक्षों से संबंधित काम करते हैं, 50,000 पेड़ प्रतिवर्ष ये लगाते हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे संस्था के लिए और इस गाज़ियाबाद के लिए? गाज़ियाबाद के लोगों की वजह से ही ये संस्था आगे बढ़ पा रही है और गाज़ियाबाद का जो मीडिया है, चाहे गाज़ियाबाद के व्यापारी हैं, चाहे गाज़ियाबाद के विद्वान हैं, साहित्यकार हैं, उन सभी लोगों के सहयोग से बच्चे काम कर पाते हैं और बहुत अच्छा काम ये करके दिखा रहे हैं। वो लोग हमेशा हमारे साथ खड़े, आज भी देखिए तो शहर के तमाम लोग इकट्ठे हैं, शुभकामनाओं के साथ इन बच्चों के साथ खड़े हुए हैं। तो मैं सबका धन्यवाद करना चाहता हूं और युवाओं से कहना चाहता हूं, चेहरेवती चलते रहो, धीरे धीरे सही लेकिन चलते रहो, रुको मत। तो ये थे गुरुजी पवन सिन्हा, इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे। साफ तौर पर उनका कहना है कि जो संस्था जो लगातार युवाओं के लिए काम कर रही है वो एक बेहतर काम कर रही है। गाज़ियाबाद से जनता टीवी के लिए सुनील गौतम।